हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? फाइन. चलिए, अब आपका जो एग्ज़ाम है नवंबर 2018 में, अब वो एग्ज़ाम्स आपके बहुत पास आ चुके हैं. और अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि जो भी हमने सब्जेक्ट्स कवर कर रखे हैं उन्हें टेस्ट करना, जितना भी हमने पढ़ रखा है उन्हें इवैल्यूएट करने का, उन्हें चेक करने का टाइम आ चुका है. और इंस्टीट्यूट ने वो मॉक टेस्ट की डेट भी अनाउंस कर दी है. सो आपका जो मॉक टेस्ट है दैट इज़ फ्रॉम 1st of October. तो चलिए, आईसीआई का जो नोटिफिकेशन है उसे देख लेते हैं. तो शेड्यूल ऑफ मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 2, सेकेंड सीरीज जो है, तो इसकी डिटेल हम देखते हैं. ये डिटेल इंस्टीट्यूट ने कुछ टाइम पहले अपडेट कर रखी है. और इसके अंदर जो आपका एग्ज़ाम है वो होगा 1st of October एंड 3rd of October को. तो देखिए, सबसे पहले आता है ये 1st of October. 1st of October को 10 AM to 1 PM आपका पेपर नंबर फर्स्ट, दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, 3 आवर्स का आपका पेपर होगा. पूरा कंप्लीट कोर्स, पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है आपका सीए फाउंडेशन का, वो आपसे इसमें पूछा जाएगा. और फिर 1 to 2 आपको मिलेगा लंच ब्रेक. और उसके बाद 2 to 4 आपका नेक्स्ट पेपर होगा, दैट इज पेपर नंबर 3, मैथमेटिक्स, LR, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स. तो ये है 2 to 4, तो 2 आवर्स में ये पेपर आपको कंप्लीट करना है. तो 1st of October को ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है जो आईसीआई कंडक्ट कर रहा है. तो अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ओनली 12 डेज आर लेफ्ट. तो जितना भी कोर्स आपने किया है उस बेसिस पे आपको एग्ज़ाम देना है. आपको ये नहीं सोचना है कि लाइक आपका अभी तक 70 या 80% कोर्स ही हुआ है तो हम एग्ज़ाम कैसे अपियर करें. तो आपको एग्ज़ाम में अपियर होना चाहिए ताकि जितना भी कोर्स आपने कर रखा है उसे आप फटाफट से रिवाइज कर लें और ये चेक कर सकते हैं कि उसमें से आप किस तरह से एग्जाम में आंसर्स लिख पा रहे हैं. और एक बार जब आपको यहाँ एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस तरह की आपसे मिस्टेक्स हो रही है. और अभी जो मिस्टेक होगी वो आप मेन एग्जाम में नवंबर के अंदर वो मिस्टेक नहीं करेंगे. लेकिन अगर हमने इस एग्जाम को मिस कर दिया और सीधा हम फर्स्ट टाइम एग्जाम नवंबर में ही दे रहे हैं तो हो सकता है वहां पे कुछ हम मिस्टेक्स कर दें जिस वजह से हमारे मार्क्स कम आ सकते हैं. तो बेटर ये है जो आईसीआई ये मॉक टेस्ट कंडक्ट करता है हमें उसमें अपियर होना चाहिए. तो 1st of October को पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 3 एंड 3rd of October को एक दिन का ब्रेक मिलेगा 2nd October का. एंड 3rd of October को है हमारा नेक्स्ट पेपर, पेपर नंबर 2 इज बिजनेस लॉ एंड BCR, जिसके साथ में है पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK. तो इन दोनों का एग्जाम वही टाइमिंग 10 to 1 एंड 2 to 4. फाइन. तो ये टेस्ट में आपको अपियर होना है. नाउ सेकेंड थिंग, अब नवंबर क्योंकि पास में है तो हमें और क्या क्या चीजें पढ़ लेनी चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जिससे हम अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं. तो आईसीआई की वेबसाइट आपने विजिट की होगी. तो आईसीआई की वेबसाइट में जो स्टूडेंट वाला सेक्शन है, उस स्टूडेंट वाले सेक्शन के अंदर आपको जाना है. और इसमें आ जाएगा आपका BOS नॉलेज पोर्टल, इसे आप ओपन कर लें. BOS नॉलेज पोर्टल को ओपन करना है तो क्या हो जाएगा, तो फिर उसमें आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे. तो फाउंडेशन कोर्स, और फाउंडेशन कोर्स में आपका सिलेबस पेपर नंबर 1, 2, 3 एंड 4. अब जैसे ही आप पेपर 1 को ओपन करते हैं तो पेपर 1 में कुछ डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी लाइक स्टडी मटीरियल, देन कॉरिजेंडम टू स्टडी मटेरियल, कुछ करेक्शंस जो इंस्टीट्यूट ने निकाले हैं, जो आपके मॉड्यूल में कुछ एरर्स है, मिस्टेक्स है, तो उसका रेक्टिफिकेशन शीट आपको नीचे दे रखी है. देन क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं लाइक एवरेज ड्यू डेट,
एंड अकाउंट करंट, इन दो चैप्टर्स के आपको पहले क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिर है एनपीयू, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो जो भी स्टडी मटेरियल आपको इस कॉलम में मिलता है वो सब कुछ आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो एक तो ये हो गए क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, और इसके अलावा आपको दे रखे हैं आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर्स। आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर ये है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। पास्ट में भी कई बार देखा जा चुका है आरटीपी जो होती है इसमें से आईसीआई कई बार बहुत सारे मार्क्स के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेती है। कई बार 10 मार्क्स, 20 मार्क्स और बहुत सी बार 40 मार्क्स के क्वेश्चन इन आरटीपी में से भी आ चुके हैं। ये फिक्स नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन एज इट इज आएंगे, बट इट मे और मे नॉट कम। तो हमें ऐसे टेस्ट पेपर्स को स्किप कभी नहीं करना है। तो आपको मे एज वेल एज नवंबर दोनों एग्जाम्स की आरटीपी सॉल्व करनी है, दोनों एग्जाम की आरटीपी सॉल्व करनी है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं किस तरह से इसमें क्वेश्चंस गिवन होते हैं और किस तरह से हमें उसे पढ़ना चाहिए। सो फाइल ओपन हो चुकी है। तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स, देन कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, और फिर चैप्टर वाइज आपको इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वन बाय वन सॉल्व करने हैं, रिटन प्रैक्टिस आप करें, और टाइम आपको नोट करना है कि कितने टाइम पीरियड में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, बिकॉज एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं फॉर प्रैक्टिस, और क्वेश्चंस के बाद में आपको दे रखे हैं इनके आंसर्स, सजेस्टेड आंसर्स भी साथ में दे रखे हैं। तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है या आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। फाइन, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। सो दोनों अटेम्प्ट्स की आरटीपी आपको सॉल्व करनी है। आरटीपी के बाद में आता है मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर, तो जो आपका लास्ट मॉक टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर आईसीआई ने अपडेट कर रखा है, तो वो पेपर आपको यहां पे सॉल्व करना है। तो जो भी मॉक टेस्ट के पेपर है ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो अगस्त 2018 में जो पेपर हुआ था वो पेपर अब आपके सामने ओपन हो चुका है। जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपल्सरी, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये पूछा जाता है नॉर्मली ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन। तो आपको ट्रू एंड फॉल्स आंसर करना है विद रीजन, और उसके बाद एक या दो छोटे क्वेश्चन साथ में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, जो कि कंपलसरी है, आपको अटेंड करना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। अब रिमेनिंग जो पेपर बचा है दैट इज 80 मार्क्स, और उस 80 मार्क्स के लिए आपको 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, दैट मींस 16 मार्क्स ईच, 16 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 हैविंग डिफरेंट सब पार्ट्स, अगेन क्वेश्चन 3 हैविंग डिफरेंट पार्ट्स, 4, 5 एंड देन 6। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको दे रखे हैं। तो अब इसके अंदर आपके पास क्या होती है, एक चॉइस होती है। अगर इंस्टीट्यूट ने सारे क्वेश्चंस रखे हैं 20 मार्क्स के, सारे क्वेश्चन रखे हैं 20 मार्क्स के, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी, रिमेनिंग जो आपको सॉल्व करने होंगे दैट इज 4 क्वेश्चंस, 4 इंटू 20, 80, बट उसके लिए आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 में से यू हैव टू अटेंड एनी 4, 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर 16 मार्क्स के क्वेश्चन है तो फिर आपको 6 क्वेश्चन गिवन होंगे और 6 में से 5 सॉल्व करने हैं। तो चॉइस आपके पास अवेलेबल रहती है रिमेनिंग क्वेश्चन में, तो किसी भी एक क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हर क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो उसके चांसेस कम है। तो किसी में 2 पार्ट्स, कहीं 3 पार्ट्स और कहीं पे 4 पार्ट्स भी पॉसिबल है। फाइन, तो ये हो गया आपका मॉक टेस्ट पेपर। उसके बाद पास्ट एग्जाम पेपर, पास्ट एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है ये भी वेबसाइट पे अपडेटेड है,
जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मई 2018 ये पेपर अपडेटेड है और उसके सॉल्यूशन भी साथ में नीचे दे रखे हैं। तो ये सारी चीजें आपको वन बाय वन सॉल्व करनी है। तो जिस तरह से आपने अकाउंट्स में देखा वैसे ही आपको बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में भी करना है। तो बिजनेस लॉ विद बीसीआर, तो यहां पे भी आपको आरटीपी मिलेगी, सजेस्टेड आंसर्स, क्वेश्चन पेपर्स, ये सब अवेलेबल हैं। तो इन सबको आपको सॉल्व करना है, क्लियर। मॉक टेस्ट पेपर्स भी इसमें अवेलेबल हैं। तो जैसे आपने ओपन किया लॉ, तो लॉ में आपको आरटीपी, क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, ये तीनों चीज दिख जाएगी। तो ये सब आपको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट इज पेपर नंबर 3। इसमें आपको दिया है स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट पेपर। आरटीपी सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर के लिए अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव में कोई आरटीपी नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव के केस में आपको स्टडी मटेरियल तो करना ही है, उसके साथ में मॉक टेस्ट पेपर इज अवेलेबल। तो जो आपका लास्ट मॉक टेस्ट हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर है विद सॉल्यूशन वो अपडेटेड है, तो आपको उसे सॉल्व कर लेना है। एंड सेम है पेपर नंबर 4 में, यहां भी स्टडी मटेरियल इकोनॉमिक्स एंड बीसीके में है और उसके साथ में मॉक टेस्ट पेपर। तो ये सब कुछ हमें परफेक्ट कर लेना है। सबसे ज्यादा जो हमें प्रॉब्लम आती है वो है पेपर नंबर 3 में टाइम को मैनेज करने में। टाइम मैनेजमेंट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज पेपर में 100 क्वेश्चंस है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर प्रैक्टिकल और 2 आवर्स बहुत कम पड़ जाते हैं। इस 2 आवर्स में हमें ओएमआर शीट को भी पूरा फिल करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी फिल करनी होती है, तो 20 मिनट्स तो आपके ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। पीछे बचे 100 मिनट्स फॉर 100 क्वेश्चंस, तो आपको बहुत बहुत फास्ट जो है अपनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। स्पीड मेंटेन नहीं कर पाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्लियर। तो पास्ट में भी देखा गया है, जो प्रीवियस एग्जाम था मई 2018 में, काफी स्टूडेंट्स 100 में से 60-70 क्वेश्चंस ही अटेंड कर पाए बिकॉज ऑफ स्पीड प्रॉब्लम। तो हमें स्पीड बहुत अच्छे से मेंटेन रखनी है, फाइन, क्लियर। चलिए, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप प्रैक्टिस करें और जो भी अपडेटेड नॉलेज आपको रिक्वायर्ड होगा या आपके जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके ऊपर मुझे अगर कोई वीडियो बनाना है तो मैं वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, टेक केयर।